हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, कहा जाता है कि इंसान अगर किसी जीव से सबसे ज्यादा डरता है तो वो है सांप। जी हाँ, सांप, जो कि एक ही झटके में किसी भी इंसान की पहचान को खत्म कर सकता है। लेकिन दोस्तों, आपने अब तक दुनिया के सबसे ज्यादा जहरीले सांपों को देखा होगा, लेकिन आज हम आपको कुछ और दिखाने वाले हैं। आज हम आपको वर्ल्ड के कुछ सबसे बड़े सांपों से मिलवाने वाले हैं, कुछ ऐसे सांप जो कि एक बार में बड़े से बड़े जानवर को निगल जाएं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। नंबर वन दोस्तों, ये है 49 फुट का अजगर, यानी कि 15 मीटर लंबा है। जरा देखिए कितना खतरनाक लग रहा है, इसकी तो लंबाई देखकर ही किसी की जान निकल जाए। दोस्तों, हुआ ये कि इंडोनेशिया में एक दिन एक पति पत्नी खेत में काम कर रहे थे, उन्हें अचानक ये सांप दिख गया। उस समय ये सो रहा था। इसे देखकर पहले तो इन्हें समझ नहीं आया कि इतना बड़ा ये है क्या, लेकिन जब बाद में पता चला कि ये सांप है और वो भी अजगर, तो इन्होंने लोकल प्रशासन को इसकी खबर दी। इसे जैसे तैसे पकड़ा गया, अब ये एक जू में बंद है। ये देखिए कितना बड़ा है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये किसी भी इंसान को भी एक ही झटके में निगल सकता है। जू में जो इसकी देखभाल करने वाले लोग हैं वो भी इससे डरते हैं। कई बार ये विशालकाय अजगर इन पे भी हमला करने की कोशिश करता है। जरा देखिए इसे, ऐसा लग रहा है मानो जीता जागता दानव हो ये। नंबर टू दोस्तों, आपने ग्रीन एनाकोंडा का नाम तो सुनाएंगे होगा। जी हाँ, ये है दुनिया का सबसे बड़ा सांप और ये रहते हैं ब्राजील के अमेज़न जंगल में। दोस्तों, ये इतने बड़े होते हैं कि जो इन्हें देख ले वो कभी इन्हें भूल नहीं सकता। दोस्तों, आपने आज तक जितनी भी हॉलीवुड की फिल्में देखी होंगी उनमें जब भी एनाकोंडा का जिक्र होता है तो वहां आपको ये सांप ही नजर आते हैं। दोस्तों, ये साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं और इससे जुड़ी एक घटना के बारे में आपको बताना चाहूंगा। साल 2016 में जब इस एनाकोंडा को ब्राजील में कंस्ट्रक्शन साइट के आसपास देखा गया, वहां खड़ी एक इमारत को जब गिराया गया तो वहां गिरा मलबा अपने आप ही हिलने लगा। दोस्तों, जब मजदूर उस मलबे के पास गए तो उन्हें एक बहुत बड़ा एनाकोंडा दिखाई दिया, जिसे देखने के बाद वो सभी दूर भागने लगे। वहीं कंस्ट्रक्शन साइट पर मौजूद इंजीनियर ने बड़ी सूझबूझ से सांप की पूंछ को बांधकर एक 3 मंजिला ऊंची क्रेन से उसे उठाया, लेकिन सांप की लंबाई बहुत ज्यादा थी, जिस वजह से सांप का मुंह अभी भी जमीन पे लगा हुआ था। ये वीडियो भी रिकॉर्ड की गई जिसमें इस विशालकाय सांप को दिखाया गया था। इस सांप की लंबाई 33 फीट थी और मोटाई भी काफी ज्यादा थी, वजन था लगभग 400 किलो। हालांकि सांप मलबा गिरने और उसके बाद क्रेन से उठाए जाने की वजह से जिंदा नहीं बच सका। लेकिन दोस्तों, जरा सोचिए कि इस तरह के अभी भी कई सांप हैं जो कि अमेज़न के जंगलों में रहते हैं। तभी तो कहा जाता है कि इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सांप जहरीले नहीं होते, लेकिन वही बात है कि ये सांप इतना बड़ा और ताकतवर है, जहरीला होने की जरूरत क्या है, ये लोगों को वैसे ही निकल जाए। नंबर थ्री दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि किंग कोबरा को सांपों का राजा क्यों कहा जाता है? आखिर पूरी दुनिया इन्हें देखकर यूं ही क्यों डर जाते हैं? दोस्तों, आपका सोचना बिल्कुल सही है, ये दुनिया के सबसे जहरीले सांप होते हैं। अगर किसी को इसने डस लिया तो उसका बचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। दोस्तों, ये 10 फीट से लेकर 13 फीट तक लंबे होते हैं। हालांकि दुनिया का सबसे लंबा कोबरा सांप 18 फीट का पाया गया था, जिसे इंडोनेशिया में पकड़ा गया था, और अब ये सांप लंदन के एक जू में रखा गया है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ये एक बार में 7 ml जहर अपने अंदर से निकाल सकते हैं? दोस्तों, अगर इस सांप ने किसी इंसान को काट लिया तो समझिए कि 30 मिनट के अंदर उसकी मौत तय है। जो इनका जहर है उसकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक बड़े से हाथी को एक बार अगर ये काट ले तो वो 3 घंटों में मर जाता है, और शायद यही वजह है कि इन्हें सांपों का राजा कहा जाता है। दोस्तों, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि आगे हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ और बेहद खतरनाक सांप। नंबर फोर दोस्तों, मेडूसा सांप अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक बार देखा गया था, जिसकी लंबाई थी 25 मीटर। जी हाँ, सही सुना आपने, 25 मीटर। दोस्तों, इसके बारे में कहा जाता है कि यह सांप अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा सांप था, जिसे पकड़ने में वन अधिकारियों को 25 मिनट लग गए थे, और आप इसी बात से इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना बड़ा रहा होगा। दोस्तों, अमेरिका में एक सर्कस कंपनी है जिसका नाम है फुल मून प्रोडक्शन, और अब वो इस सांप की देखभाल करता है। बदले में वो इसे अपने सर्कस में इस्तेमाल करने लगे हैं। इनफैक्ट ये 25 फीट का लंबा सांप इनका शो स्टॉपर है। नंबर फाइव, ब्लैक मांबा। ये सांप दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक है। ये सांप अफ्रीका के सहारा जंगल में पाए जाते हैं। इन्हें इनके ब्लैक कलर के जबड़े के लिए भी जाना जाता है। ब्लैक मांबा को चूजे खाना बहुत पसंद है। ये सांप तकरीबन 6 फीट से 9 फीट लंबे होते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो ये इंसानों से लंबे होते हैं। हालांकि अफ्रीका में एक बार 14 फीट लंबा ब्लैक मांबा भी देखा जा चुका है। ये सांप जब किसी को बाइट कर ले, जिंदा बचने के लिए उसके पास ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट होते हैं।
दोस्तों ये रेंगने में भी बहुत तेज होते हैं। ये एक घंटे में 12 मील तक बिना थके बिना रुके रेंग सकते हैं। कहा जाता है कि अफ्रीका के रेगिस्तान में ही रहते हैं, लेकिन कई बार इन्हें शहरी इलाकों में भी देखा जा चुका है। हर साल अफ्रीका में 2 से 3 हजार लोग इस सांप के काटने से मर जाते हैं। आज तक इनके डसने के बाद कोई भी इंसान नहीं बच सका है। नंबर 6, वेसी। ये भी अमेरिका में पाई जाने वाली एनाकोंडा की एक प्रजाति है। दोस्तों इनकी लंबाई नॉर्मल एनाकोंडा की तरह बहुत ज्यादा तो नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद ये कम खतरनाक नहीं होते। दोस्तों आपको बता दूं कि ये अमेरिका के एक शहर में एक बार देखे गए थे। इन्हें नदी के किनारे एक पुलिस ऑफिसर ने देखा था। कहा जाता है कि ये सांप भी लोगों को निगल लेते हैं। हालांकि किसी ने भी उस पुलिस वाले की बातों पर यकीन नहीं किया। सबको लगा कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन जब कुछ दिनों बाद एक बार फिर से इसे देखा गया तो लोग इतने डर गए कि सब उस एरिया को खाली करके वहां से चले ही गए। बात यहां तक फैल गई कि उस शहर की एक लोकल कंपनी ने इस सांप के नाम पे एक टी शर्ट तक निकाल दी और लोगों ने इसे खरीदा भी। नंबर 7, दोस्तों एक बार ब्रिटिश वन अधिकारी अमेज़न के जंगलों में काम कर रहे थे। वो वहां कई सालों तक रुके थे, कई जानवरों पे किताबें लिखे थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बार ये इतने बड़े एनाकोंडा के सामने आ गए थे कि उसे देखकर इनकी जान निकल गई थी। दोस्तों उस बुक के मुताबिक उस एनाकोंडा की लंबाई 60 से 62 फीट के बीच थी। ये सांप इतने खतरनाक होते थे कि जंगलों में जो इनके सामने आ गया उसे ये सीधे निगल लेते थे। इंग्लैंड के उन वन अधिकारियों का कहना था कि इनकी आंखों के सामने इस महाविशाल सांप ने 2 कुत्तों को निगल लिया था। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने भयानक होते होंगे। नंबर 8, रैटल स्नेक। रैटल स्नेक भी दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक है। कहा जाता है कि अगर इस सांप ने किसी को जकड़ लिया तो उसकी मौत बहुत दर्दनाक होती है। दोस्तों एक तो ये हद से ज्यादा बड़ा और ऊपर से उतना ही ताकतवर होता है। दोस्तों ये कहानी भी अमेरिका के फ्लोरिडा की है, जहां कुछ चिड़ियां पकड़ने वाले लोग जब जंगल में गए तो उन्हें ये देखा। उन सबकी जान हलक में आ गई, ये हद से ज्यादा बड़ा था। दोस्तों इस सांप को बड़ा हमलावर माना जाता है। नंबर 9, दोस्तों एक बार अमेरिका के ही कुछ एनिमल हंटर्स हेलीकॉप्टर से कॉन्गो देश के एक जंगल के ऊपर से गुजर रहे थे और तब उन्हें ये 52 फुट लंबा सांप देखा। इसे देखकर उन सबके होश उड़ गए। ये अपनी तरह का बिल्कुल यूनिक सांप था, क्योंकि इसका ऊपरी बॉडी पार्ट तो बिल्कुल ही काला था, लेकिन नीचे का हिस्सा सफेद था। दोस्तों इसे देखकर इन्हें लगा कि इस अनोखे सांप को पकड़ लेना चाहिए, लेकिन जैसे इन्होंने कोशिश की बदले में सांप ने इन सब पे ही हमला कर दिया। अंत में सबको लगा कि अपनी जान बचाकर भागने में ही फायदा है और सबको जंगल छोड़कर भागना पड़ा। वैसे भी सोचिए, अगर इस सांप ने बिना डरे इतने लोगों पे हमला कर दिया तो ये वाकई में खतरनाक ही होगा। दोस्तों आपका क्या कहना है कॉन्गो के इस मिस्टीरियस सांप के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 10, गबॉन वाइपर। गबॉन वाइपर को दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक माना जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये अगर किसी को भी डस ले तो मामला वहीं खत्म हो जाता है। दोस्तों आपको बता दूं कि गबॉन वाइपर सबसे ज्यादा अमेरिका में पाया जाता है और ये दिखने में बहुत खूबसूरत होता है। हालांकि जितना खूबसूरत होता है ये उतना ही खतरनाक भी होता है। ये जंगलों में रहकर शिकार करता है और ये अपने स्किन कलर को ऐसे चेंज करता रहता है कि अन्य जीवों को ये लगे कि ये तो पत्ते हैं, लेकिन जैसे ही कोई जीव पत्ता समझकर इसके आसपास भटके ये वहीं उन्हें दबोच लेता है। कई बार तो इस सांप ने इंसानों को भी अपना शिकार बनाया है। तभी कहा जाता है कि इनसे कम से कम 100 कदम दूर ही रहना चाहिए। नंबर 11, दोस्तों अब जरा इस बड़े सांप को भी देख लीजिए। इसे देखा गया था अमेज़न के जंगलों में, वो भी 2014 में। कहा जाता है कि एक बार इस जंगल के रास्ते से कुछ मछुआरे नदी तक पहुंचे। वहां जैसे ही इन्होंने अपने बोट से आगे चलना शुरू किया कि ये इनके सामने आ गया। दोस्तों बताया जाता है कि इस सांप की लंबाई 18 फुट थी और ये मोटा भी बहुत था और अग्रेसिव भी उतना ही था। हालांकि सारे के सारे मछुआरे भी बड़े दिलेर थे। सांप एक किनारे में अपने खाने को डाइजेस्ट कर रहा था और ये सभी उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये देखिए दोस्तों, ये कितना बड़ा सांप है। लेकिन ये मछुआरे भी काम आने वाले थे, इन्होंने इसे परेशान करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि ये इसे पकड़कर किनारे तक ले आए। इन्हें लगा कि इनकी इस हरकत की वजह से सब लोग इन्हें शक्तिमान कहेंगे, लेकिन दोस्तों हुआ बिल्कुल उल्टा। इनफैक्ट इन सभी मछुआरों को $600 का जुर्माना भरना पड़ा और वापस इस बड़े से सांप को नदी में भी छोड़ के आना पड़ा। नंबर 12, दोस्तों एक बार इंडोनेशिया देश में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। यहाँ भी 20 फुट लंबा सांप एक घर के बगल में आ गया था। हालांकि जैसे ही एक गार्ड को इसके बारे में खबर मिली, वो अकेले ही इसे पकड़ने निकल गया। दोस्तों हालांकि उसकी किस्मत अच्छी थी कि इस बड़े सांप ने बस इसके हाथ पे हमला किया, बाल बाल बच गया ये, और इसकी वजह ये थी कि वहां बाकी लोग आ गए। लेकिन शायद इस गार्ड को इस तरह अकेले सांप से पंगा नहीं लेना चाहिए था। दोस्तों आपको कैसी लगी ये सांपों की स्टोरीज, आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं।
हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। साथ ही दोस्तों आपसे एक छोटे से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए,